वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ में क्या है, इसी चैनल से क्या है, आपके अपने विद्यान पाठशाला के चैनल से क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या है प्रैक्टिस भी चल रही होगी, ठीक है। क्योंकि डेली यहाँ पर क्या है आपको 4 बजे क्या है आपको प्रैक्टिस मिलती है, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या है रिविजन चल रहा होगा। मैं बार बार यही बताता हूँ बच्चों की, यदि आप क्या है किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से क्या आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है यदि डेली रिविजन नहीं करोगे तो क्या है आपको इतना का बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना, दिक्कत हो सकती है आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या है डेली रिवीजन करने के लिए हमारा क्या है चैनल के द्वारा क्या है बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है कंटेंट के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो डेली क्या है तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू हो तो, ठीक है ना। तो देखो हमने कल बच्चों यहाँ तक क्या है यानी 72 नंबर तक क्या है क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमारा क्या है 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो ये बोल रहा है कि 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8 तथा 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो सबसे पहले का मतलब क्या है, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, इसका मतलब हमारे लिए क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है, ठीक है ना। तो हम 2, 3, 8 और 10 का लासा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2, 3, 8 और 10 इसका लासा निकालेंगे। तो जब लासा निकालेंगे तो देखते हैं हम इस तरीके से लासा निकालते हैं, यानी पहले से 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2 3 आ गया यहाँ पे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है ना, ये बन गया। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे क्या है कोई दो नंबर सेम क्या है कट जाए किसी संख्या से, ठीक है ना। तो यही क्या हमारा लासा बनेगा, यानी सभी गुणा कर लो अब इसकी। देखो 2, 3, 6 और 6 पंजे 30 और 30 चौक 120, यानी कि इसका लासा बना वो कितना बना, 120 बन गया, ठीक है ना, 120 बन गया, ठीक है। यानी कि हमने ये देख लिया कि इसका लासा अब 120 बना है, कितना बना है 120। अब 4 अंक की छोटी छोटी संख्या बनानी है हमारे लिए, कितनी बनानी है 4 अंक की क्या है छोटी छोटी संख्या बनानी है, ठीक है ना। तो देखो 4 अंक की बनाने के लिए क्या है पहले छोटी छोटी संख्या लिख लो, ठीक है ना। हमने लिख ली 4 अंकों की छोटी संख्या, 1, 2, 3, 4, ये हमने क्या है 4 अंक की छोटी छोटी संख्या लिख ली। अब इस संख्या को क्या है 120 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो करते हैं भाग, देखो कितना बार चला जाएगा, 100 तो छोटा रहेगा, ठीक है ना, तो कितना बार जाने वाला है, यानी कि 9 बार चला जाएगा, ठीक है ना, 9 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि क्या है 8 ही बार जाएगा, ठीक है ना। तो 8 से करोगे तो 8 0 8 2 16 8 1 8 और 1 9, ठीक है 960। अब 1000 में से 960 माइनस कर लो तो 0, ठीक है ना, और 10 में से चल जाएगा कितना बचेगा 4, तो ये बचा हमारा 40, कितना बचा 40। अब ये जो 40 नंबर है वो इस 120 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस कर दो इसके लिए, ठीक है ना। तो 10 में देखो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कितना आया हमारा ये अंतर 80 आया। अब ये जो 80 नंबर है बच्चों वो क्या कर देंगे हम इस 1000 में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा नंबर बन जाएगा, तो 1000 में जब 80 ऐड करोगे तो नंबर बनेगा हमारा 1080, कितना बनेगा 1000 हमारा क्या है 80 नंबर बन जाएगा। तो राइट आंसर भी कौन सा बनने वाला है बच्चों, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप की होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पेपर है वो आपका क्या है 2021 का ही तो पेपर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सवाल आते हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। आज हम क्या है जो रीजनिंग वाला आकृति वाला पोर्शन होता है उसे भी लेके आए हैं हम, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या है आकृति वाला भी पोर्शन कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो को देखें, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बहुत से बहुत अधिक से अधिक क्या है बेनिफिट हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसमें मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं इसमें हम मान ले रहे, ठीक है, हमने मान लिया कि एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुनी, यानी कि 3x, कितनी हो जाएगी 3x, एक एक्स मान ली हमने और दूसरी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर, ठीक है ना, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लगा दो, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है एक्स गुणा सेकेंड नंबर कितना है 3x, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का हमारे लिए पूरा गुणनफल ही दे रखा है, अलग अलग नहीं लगाना है। तो देखो यहाँ पर लगा दे रहे 18.75, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व इसे, 3 से डिवाइड करोगे इसके लिए, 3 6 18 पॉइंट, 3 2 6 और 3 5 15, यानी कि ये है हमारा
6.25। और देखो एक्स और एक्स से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 6.25। अब एक्स वर्ग हटाओगे इधर, ठीक है ना, तो इस 6.25 पे क्या है वर्गमूल चढ़ जाएगा, यानी कि रूट में 6.25 बन जाएगा। अब इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका जो वर्गमूल बनेगा वो कितना बनने वाला है, वो बन जाएगा 0.25, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमारा जो जो नंबर बनेगा वो क्या है, ये जैसे नॉर्मल पॉइंट नहीं लगा हुआ होता, पॉइंट नहीं लगा हुआ होता तो क्या है ये जो सॉरी वर्गमूल बनता वो क्या है 25 का बनता, ठीक है ना। अब 25 का वर्गमूल कितना बना है 2.5, यानी 25 का मतलब क्या है 2.5, यानी रूट में से बाहर निकलता है तो क्या है जैसे दो नंबरों के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो बाहर आके एक नंबर के बाद पॉइंट लगना है, और यदि क्या है एक नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ तो बनेगा नहीं, चार नंबरों के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगेगा रूट में से निकल के। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 2.5 आ गई बच्चों। अब इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या तो बच्चों हमारी कितनी थी 3x थी, छोटी संख्या कितनी थी एक्स, तो छोटी संख्या थी पूछता तो हम इसे 2.5 बता देते इसके लिए, लेकिन वो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या का मतलब क्या है 3x है, तो 3 से क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो 25 × 75 कितना 25 × 75, और हमने क्या है पॉइंट लगा दिया, यानी 7.5 क्या है इसमें बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। कौन सी संख्या बनेगी 7.5 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखो देख लेती हैं डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों क्या है आपके नवोदय विद्यालय में क्या क्वेश्चन आते हैं, इनकी डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, केवल इसमें नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता। यदि आप इन क्वेश्चनों की डेली प्रैक्टिस करोगे, कहीं किसी भी तरीके से आप तैयारी नहीं कर रहे हो, यदि इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या है बहुत अच्छे क्या है नंबर गेन कर जाओगे, ठीक है ना। देखो मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि मैथ यदि आप नहीं सीख पाए तो आपको क्या है दिक्कत हो जाएगी। देखो आकृति और हिंदी तो सब लोग कर जाते, सब बच्चे कर ले जाते हैं, लेकिन जो बच्चा मैथ करके जाता है उसी का क्या है सिलेक्शन होता है, क्योंकि हमारी जो मेरिट रहती है वो काफ़ी हाई रहती है। तो इसीलिए क्या है आपको मैथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिविजन करो इन क्वेश्चनों को, जिससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है ना। यदि बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में क्या है यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यानी 3 गुणा में 0.3 फिर गुणा में 0.003 गुणा में 0 और फिर दे रखा है 30। बता रहा है इन सभी नंबरों की गुणा करेंगे तो कौन सा हमारा क्या है गुणा करके आंसर बनने वाला है। तो देखो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 और 27 = 81, ठीक है ना, ये कर लिया, लेकिन हमें इसे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हमने क्या देखा, हमें केवल थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या लगाना है कि देखो बीच में जीरो आ गया, तो जीरो किसी से भी क्या है, जीरो की किसी से भी गुणा करो वो क्या बना देता है, उसे हीरो बना देता है। हीरो मतलब जीरो का क्या है, जीरो बनाने का जीरो से जिस नंबर की गुणा करते हैं वो पूरा क्या हो जाता है, जीरो ही बन जाता है, ठीक है ना। प्लस या माइनस करने पर नहीं, केवल गुणा करने पर, ठीक है ना। यदि जीरो से किसी नंबर में गुणा करते हैं तो वो क्या है पूरा जीरो ही बना देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है डी हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, जीरो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन थे आज के हमारे वो किसके थे, मैथ के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये हमारा जो क्या है प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया है, जिसमें क्या है अब हमारे क्या है आकृति लेने वाले हैं, हम क्या लेंगे इसमें आकृति लेने वाले हैं, देख लेंगे कि आकृति किस तरीके से दे रखी है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आकृति के पास, ठीक है ना। हाँ तो देख लेते हैं, देखो ये दे रखा है हमारे यानी खंड का है, ठीक है ना। इसमें क्या है फर्स्ट मानसिक योग्यता, ठीक है ना, क्योंकि जो आकृति वाला पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं मानसिक योग्यता बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से क्या है भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ एम आर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है ना। हमें देखो कहने का मतलब मैं बता दूं आपके लिए, इसी तरीके से आपका क्या है पेपर में आएगा, क्योंकि ये है आपका पेपर ही है, ठीक है ना। आपके नवोदय विद्यालय का ये क्या है पीस क्या है प्रीवियस ईयर यानी पुराने साल का ये पेपर है, जिससे क्या है आपको पूर्ण तरीके से जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये हम क्या है सभी कुछ पेपर कराने के पश्चात, ठीक है, 2010 से और 2000 अब तक क्या है 21 तक, ठीक है ना, जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को कराने के बाद फिर क्या है मॉडल पेपर लेकर आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको अपनी आपके अपने क्या है चैनल विद्याज्ञान पाठशाला आपका क्या है तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो जिससे क्या है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा क्या है भिन्न है और सभी क्या है एक जैसे हैं। देखो यहाँ पर ये बड़ी वाली लाइन है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये बड़ी वाली लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, इस वाले कोने में आ गई, ठीक है ना। फिर ये बड़ी वाली जो लाइन है वो क्या है कहाँ पे आनी चाहिए,
इसके बाद में इस वाली में आनी चाहिए लेकिन इसमें नहीं है। फिर उसके बाद में जो बड़ी वाली लाइन है वो कहाँ पर आनी चाहिए, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक सेकेंड दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपके लिए। देखो ये है, यानी कि देखो इस तरीके से ये इस तरीके से है, ठीक है, इस कोने में, फिर क्या है ये इस तरीके से पहुँच गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये जो कोना है ये इधर वाला, ठीक है ना, वो कहाँ पर रहना चाहिए, वो इस तरीके से आता, ठीक है ना, किस तरीके से आता, ऐसे आता, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें यहाँ दे रखा है, ठीक है ना, इसमें यहाँ दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा देख लो, एक बार दोबारा से और बता देता हूँ, क्योंकि आपको क्या है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो क्या है, इधर छोटा ये चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड देखो, इधर फिर छोटा ये वाला आगे चल रहा है, आगे चल रहा है छोटा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पीछे कर दिया, इसका मतलब ये, हाँ, इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो छोटा वाला आगे चल रहा है, इसमें आगे है, लेकिन इसमें छोटा वाला लाइन क्या है पीछे रह गई, इसमें भी आगे है ये छोटी लाइन, इसमें भी आगे है ये छोटी लाइन, ठीक है ना। तो सब में क्या है आगे आगे चल रही है, लेकिन इसमें क्या कर दी, ये पीछे कर दी, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इनमें भिन्न छांटना है, भिन्न कैसे छांटोगे, देखो बच्चों, देखो इसमें कितने सर्किल हैं, एक दो तीन सर्किल हैं, इसमें कितने सर्किल हैं, तीन, तीन सर्किल का, तीन सर्किल का मतलब क्या बताया इसमें, कि तीन ही क्या है, तीन भुजाओं से लेकर क्या है एक त्रिभुज बना दिया, जब तीन सर्किल हैं तो एक दो तीन भुजाओं से लेकर क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में, दूसरा वाला आंसर होने वाला है हमारा, ठीक है ना। तो हम और क्वेश्चन अगला बी सॉरी सी ऑप्शन आपके लिए क्या है बता देते हैं, जिससे क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो तीसरे वाले में क्या है, चार हैं, चार सर्किल हैं, कितने, चार, तो चार भुजाओं वाली क्या है एक आकृति बन जाएगी, जो क्या है इस तरीके से बना दी, ठीक है ना। तो ये भी राइट है हमारा। फिर क्या है अगले वाले में कितनी है, दो और एक, तीन और दो पांच सर्किल ना, पांच सर्किल क्या है, हमने पांच सर्किल के लिए क्या है, पांच भुजाओं वाली क्या है एक आकृति बना दी इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच, लेकिन इसमें क्या है तीन सर्किल हैं, तो तीन भुजाओं वाली ही क्या है आकृति बनती, लेकिन क्या है आकृति इसमें चार भुजाओं की बना दी, इसलिए क्या है ये वाला इनसे क्या है, तीन क्या है किसी भी तरह समान हो गए, लेकिन एक भिन्न हो गया, और वही भिन्न बताना है हमें कौन सा इसमें भिन्न है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है, ये आर यू एन, यू एन आर, एन के यू और आर एन यू, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा क्या है क्वेश्चन भिन्न होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो कोई भिन्न, देखो बच्चों कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, देखो यहाँ पे क्या है आर यू, आर का यू का और एन का यूज करके बनाया गया है, इसमें भी आर यू एन है बट आगे पीछे कर दिए हैं, इसमें भी आर यू एन है बट आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन क्या है इसमें आर और के कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से आर और यू नहीं है इसमें, इसलिए क्या है ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो चौथे क्वेश्चन में बताना है बच्चों भिन्न कौन सा होने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको आकृति, देखो बहुत से क्या है इस तरीके से करा देते हैं कि बस डायरेक्ट आया कि देखो ये सवाल दे रखा है, ठीक है ना, ये कुछ ये आकृति दे रखी है, इनमें कौन सा होने वाला है, ये सही हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बच्चों कुछ बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या है ये जो आकृति बदल रही है, किस तरीके से होने वाली है, ठीक है ना, जिससे आपके माइंड में क्या है पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बस जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्या छप जाएगा, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। तो जरूर देखें इन आकृतियों के लिए, बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिवीजन करने से ही ये क्या आकृति आती है, ठीक है ना। तो ये तो ये, और जबकि क्या आपको डबल बेनिफिट है यहाँ से, तो क्योंकि ये आपकी जो आकृति कराई जा रही है वो किसकी आकृति कराई जा रही है, ये पेपर की आकृति कराई जा रही है, जो क्या है तुम्हारे पेपर आ चुकी हैं अब तक, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या किया गया है, ये बड़ा वाला सर्किल है और दो सर्किल ये इधर दे रखे हैं, और एक साइड से दे रखा है, वो क्या है एक को काट रहा है, ठीक है ना, किसको काट रहा है, देखो इस तरीके से ये एक सर्किल, ये एक सर्किल और एक को ये काट रहा है हल्का सा, ठीक है। ऐसे ही इसमें काट रहा है हल्का सा, देखो यहाँ पे काट रहा है ऊपर की तरफ, ये काट रहा है, ठीक है ना, ये वाला ऐसे ही हल्का सा ये इसको काट रहा है एक, लेकिन ये इस वाले सर्किल में क्या है वो इस तरीके से दोनों को काट रहा है, ठीक है ना, आपस में क्या है ये तीनों काट रहे हैं, तो तीनों नहीं काटने चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। इनमें एक और एक एक को काट रहा है, इसमें भी एक को काट रहा है, इसमें भी एक को काट रहा है, इसमें तीनों को आपस में काट रहे हैं ये, तो यही वाला क्या है हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा, डी ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा बच्चों। अब देखो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या है पांचवा क्वेश्चन, यानी क्या है इसी का भाग दो है, ये मानसिक योग्यता का क्या है हमारा भाग दो है। इसमें मानसिक योग्यता के भाग दो में क्या दे रखा है बताना है, प्रश्न संख्या पांच से आठ में,
बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दाहिने दर्शाने के लिए ओएमआर पत्रिका उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, देखते हैं। ऐसा बताना है हमारे लिए इनमें कौन सा है, ठीक है ना, इनमें कौन सा है। तो देखो, देखते हैं, यहाँ पे पहले वाले में एरो है और ये गोल भी है, सही है। दूसरे वाले में है तो सही, लेकिन क्या है, उस पर आगे इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में पहली वाली लाइन तो सही है, फिर दूसरी वाली लाइन देखी जाए तो ये भी सही है, तीसरी वाली लाइन देखी जाए तो ये भी सही है, चौथी वाली लाइन देखी जाए तो ये भी सही है। जब सब सही हैं तो हमारा राइट आंसर भी क्या है, यही बन जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर भी क्या है, यही बन जाएगा। यानी कि इसी की तरह क्या है, इनमें आकृति देखनी है कौन सी इसमें होने वाली है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि देखो, इसमें तो पहली वाली ही गलत है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, दूसरी वाली गलत है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो राइट आंसर बना वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। देखो, इसी तरीके से छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में बताना है, तो देखो यहाँ पे दो लाइनें डेड डैश करके इस तरीके से दे रखी हैं, इधर भी इधर तीन दे रखी हैं, ऊपर दो दे रखी हैं, नीचे तीन दे रखी हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, इसमें तो पहले ही चार दे दी, ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें भी चार दे दी तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें देखो दो दे रखी हैं और इधर तीन दे रखी हैं, बिल्कुल सही है। ऊपर दो दे रखी हैं, नीचे तीन दे रखी हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर कौन सा बनने वाला है, सी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनना है हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट इसका होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन बच्चों। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवें क्वेश्चन में देख लेते हैं, थोड़ा मैं जूम कर दूं जिससे आपको क्या है और क्लियर स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है, आपको कोई भी क्या है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखते हैं इनमें बताना है कौन सा होने वाला है। देखो, इसको देखोगे तो इस पे ये गोल वाला क्या है, ये सर्कल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और ना ही इधर बॉक्स सा बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें तो इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो बन ही नहीं रहा इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे तो बन रहा है ना, लेकिन इसमें नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गया इसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसे देखते हैं हम, इसमें देखोगे तो देखो पहले हम डी ऑप्शन देख लेते हैं ना, डी ऑप्शन में क्या है हमारा, ये देखो इस तरीके से एरो नहीं बन रहा इसमें, देखो जबकि इसमें बन रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, सी ऑप्शन में क्या है, सभी चीज़ बिल्कुल सही तरीके से बन रही है, यानी कि ये भी बन रहा है, 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 और ये भी क्या है, इस तरीके से बना हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं बच्चों, यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, यदि क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको क्या है 15 तारीख से और अच्छी क्या तैयारी कराने वाले हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि 15 तारीख तक हम थोड़े से बिजी हैं। क्यों बिजी हैं, क्योंकि हम क्या है विद्याज्ञान की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है विद्याज्ञान की तैयारी के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है वीडियो क्या है डालनी पड़ रही है। उसका क्या है 12 तारीख तक पेपर हो जाएगा, उसके बाद में क्या है हम आपकी ही क्या तैयारी कराने वाले हैं, तो जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है फ्री में तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा क्या है बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। बताना है कि इसका आंसर कौन सा बनने वाला है, ठीक है ना, इसका आंसर कौन से बनने वाला है, ए बी सी या डी। हम डेली आपको क्या है आंसर क्या है होमवर्क के लिए भी देते हैं, और प्रत्येक बच्चा क्या है होमवर्क में बहुत अच्छे तरीके से आंसर देता है, जिससे हमारे लिए क्या है बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि आप क्या है अच्छे तरीके से क्या है मेहनत कर रहे हैं, जब मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन हो गया हमारा, अब दसवां क्वेश्चन देखते हैं। देखो दसवां क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है भाग तीन इसका। हमें बताना है इस भाग तीन में कि यहाँ पे क्या है कौन सी आकृति लगा दें कि जिससे क्या है ये आकृति पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। तो देख दो क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे बीच में देखो पहले क्या है कुछ इस तरीके से बॉक्स है हमारा ये, ठीक है, ये हो गया। पहले तो ये सर्किल पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, ये सर्किल इस तरीके से पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से और इस तरीके से, इसमें ये क्या है कलर होना चाहिए फिर, ठीक है ना। मैं देखो कलर क्या है चेंज करके कर देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए, ठीक है ना, इससे क्या है आपको स्पष्ट दिख जाए। ये इस तरीके से क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए यहाँ पर बीच में, ठीक है ना। तो इस देख लो ऐसी कौन सी आकृति बन रही है,
ठीक है ना, ऐसी आकृति कौन सी बन रही है? तो देखो पहली वाली तो आकृति बन नहीं रही, क्योंकि इसमें तो इस तरीके से दे रखा है ऐसा, तो गोल होना चाहिए ये यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है, ये गोल तो है लेकिन एक आकृति और दे रखी है एक्स्ट्रा, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगले वाले में देखोगे तो अगले वाले में क्या है, बहुत दूरी पर दे रखी है ये, ठीक है ना, और वहाँ पे कलर भी नहीं है, ऐसे करके पीछे कलर कर दिया, ये पीछे नहीं होना चाहिए। जबकि क्या डी ऑप्शन में क्या देखेंगे हम, देखो ये वाली लाइन भी है बिल्कुल सही है और ये कलर भी इस तरीके से हो रखा है, तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही देखो अब दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है हमारे, ये आकृति दे रखी है, ये क्या है हमारी उत्तर आकृति यहाँ दे रखी है, इनमें से कोई एक सही होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से बन रहा है, इसमें हमने क्या किया, हमने ऐसे ही जैसे क्या है अभी देखा था उसी तरीके से इसमें बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के पश्चात क्या, एक बीच में लाइन खींच ली इसकी तरह ही, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये और ये एक लाइन बनना है और एक ये और एक ये बन रहा है, इस तरीके से बनना है। अब देख लो ऐसा कौन से में हो रहा है, देखो बी ऑप्शन में तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, सी ऑप्शन में यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, डी ऑप्शन तो पूरा ही ड्रामा कर दिया है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ ये तो बिल्कुल नहीं बनने, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो इसमें एक कॉलम की खाली है, यहाँ बताना है कि कौन सा कॉलम कौन सा क्या है बॉक्स आने वाला है, ठीक है। अब तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके एरो सभी क्या है अंदर की ओर है, यानी कि क्या इस नोक की तरफ यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा देख लो किस में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। देखो ये लगा देंगे तो ऊपर की तरफ नोक हो जाएगी, ये लगा देंगे तो बाहर की तरफ हो जाएगी, ये लगा देंगे तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। अब ये लगाएंगे हम तो ये बिल्कुल क्या है यहाँ पे फिक्स आने वाला है, जिसकी नोक इस तरफ है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब बारहवां क्वेश्चन देखते हैं, बारहवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन मैंने क्या है आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया और एक क्या है पहले दिया था, इन दो क्वेश्चनों को कहा है आपका आपको क्या है कमेंट बॉक्स में, जैसे डेली देते हैं प्रत्येक बच्चा क्या है डेली इसका क्या है आंसर देता है, इसी तरीके से क्या है आपको भी इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या है वीडियो देखते रहो, जिससे आपको लग कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और देखो हमने बता दिया आपको 15 तारीख से क्या है आपको सही तरीके और क्या है बड़ी सभी मतलब पूरे सब्जेक्ट की, यानी कि क्या है सभी सब्जेक्टों की आकृति हिंदी और साथ में क्या है मैथ, तीनों चीज़ें क्या है आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको क्या है अच्छी तरीके से क्या है तैयारी हो सके, ठीक है ना। और आपको क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखने के लिए आपके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।